आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इरेक्शन का ना होना, दोस्तों इसको लेकर काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं और इसको ये सोचते हैं कि डॉक्टर को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा, या बहुत किसी और से शेयर करने में घबराते हैं या शर्माते हैं। और यही जो इनका हेजिटेशन है, ये लास्ट में इनकी बीमारी इस जगह पहुंचा देती है जहां से रिटर्न होना मुश्किल होता है। दोस्तों जो ये इरेक्शन होता है, इसका ना होना या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है, ये प्रॉब्लम का होना, ये कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। इसमें हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, ना ही ये कोई आपके जो पर्सनालिटी है उसको कम करता है। ये तो समय के साथ, उम्र के साथ ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे महिलाओं में मेनोपॉज की स्थितियां होती हैं, वैसे ही पुरुषों में ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। क्योंकि हर व्यक्ति की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एक एज होती है, एक उम्र की सीमा होती है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होना मुमकिन है। दोस्तों इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रख सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लोग नपुंसकता के नाम से जानते हैं, लेकिन ये इसको अर्थ पूर्ण नहीं करता है, क्योंकि जो नपुंसकता है ये कुछ और भी कारण है, लेकिन जो ये कारण होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये उम्र के साथ भी हो सकता है या उम्र के पहले भी हो सकता है। अगर पहले होता है तो इसका बहुत सारा कारण है जिसकी वजह से होता है। अगर आप कारण को सही समझ लें और उसमें सुधार करें या ट्रीटमेंट ले लें तो ये ठीक हो सकता है। दोस्तों ये दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, दूसरा लॉन्ग टर्म होता है। जो शॉर्ट टर्म होता है ये अक्सर उन लोग को हो जाता है जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या चिंता पूर्ण रहते हैं। पूरे टाइम वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं या बहुत एंजाइटी में रहते हैं। अगर आप अपनी इस चीज़ों को सुधार लें, जैसे अगर आप अल्कोहल का बहुत एक्सेस आप पैक लेते हैं तो उसको आप कम कर सकते हैं, एक लिमिट लें तो इसमें सुधार आ सकता है। कुछ हैबिट्स होते हैं जैसे कम सोना या प्राणायाम ना करना, इन हैबिट्स को अगर आप सुधार लें तब भी इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिस्पांस मिलेगा ठीक होने के लिए। दोस्तों लॉन्ग जो टर्म होता है ये बहुत सारी बीमारियों के कारण होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, या तो फिर शुगर का लेवल बहुत अधिक बढ़ जाना, या जो मेन चीज़ होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के बहुत अधिक कम हो जाने की वजह से, या तो कार्टिसोल नामक जो पदार्थ होता है उसका बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण। दोस्तों इन सब चीज़ों को आप अगर एक्सपर्ट से शेयर करते हैं, उनसे सारी बातें अपनी बताते हैं, आप उसमें शर्माते नहीं हैं, तो काफ़ी हद तक आप ठीक हो सकते हैं। ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है हमारे भारतवर्ष में 60% लोगों को होता है, तो ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा एंजाइटी में ले जाते हैं। उनको लगता है कि ये हमारे पर्सनल या हमारी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ऊपर ही बताया कि उम्र के साथ साथ जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स में कमी आएगी और कुछ बीमारियां हो जाएंगी तो ये सारी चीज़ें घटती जाएंगी और ये प्रॉब्लम आपको बढ़ सकता है। दोस्तों अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो बहुत सारी इस समय थेरेपियाँ आ गई हैं, उन थेरेपियों का आप सहारा ले सकते हैं, अपने एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। और व्याग्रा नामक जो दवा है,
इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करने का तरीका है कि आप 100 मिलीग्राम पर डे इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी इससे आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ है कि आप अगर अपने जो आपका ब्लड शुगर है या आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको कम करते हैं तो धीरे धीरे इसमें रिकवरी हो जाती है। और जो हार्मोन्स को बढ़ाने की बहुत सारी दवाइयाँ आई हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछें, आपकी उम्र के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से ये दवाइयाँ चलेंगी। और जैसे ये हार्मोन्स में बढ़ोतरी होगा वैसे ही ये आपकी जो प्रॉब्लम है इरेक्शन की वो ठीक होने लगेगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ घरेलू इलाज भी हैं जिसका अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं या ये ट्रीटमेंट के रूप में लेते हैं तो आपको इससे बहुत जल्दी और बहुत अधिक बेनिफिट मिल सकता है। आप अगर अदरक के रस में शहद 2 चम्मच डालकर और अर्ध फ्राई अंडे के साथ सुबह शाम सेवन करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें होती हैं, वो एक तरफ तो आपके हार्मोन्स को बढ़ाती हैं और दूसरी तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं। क्योंकि जब आपको इरेक्शन डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, इरेक्टाइल, तो जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसमें ब्लड फ्लो की कमी आ जाती है, उसके कारण भी ये जब कम समय में होता है, उम्र कम रहती है उस समय होता है, तो ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादा मिलती है कि जो ब्लड फ्लो है उसका कम हो जाना। और ये ब्लड फ्लो कम होने का कारण मैंने ऊपर बता दिया कि बहुत एंजाइटी या बहुत अल्कोहल बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ आपके बैड हैबिट्स हैं तो उसकी वजह से होता है। दोस्तों, इसके साथ आप घरेलू इलाज में एक और चीज़ ले सकते हैं, अगर आप लहसुन का इस्तेमाल प्रत्येक दिन करते हैं, आप 5-6 कलियों को सुबह ब्रश करने के बाद तुरंत उसको पूरी तरह से चबा कर खाते हैं और पानी पीते हैं तो इससे भी जो आपके हार्मोन्स में डिटोरिएशन आ रहा है, जो शॉर्टनेस आ रही है वो बढ़ने का काम करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अलग तरह का एक तत्व मिलता है जो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और साथ में हार्मोन्स के लेवल को भी ये उच्च स्तर तक ले जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन सारे टॉपिक को आपको अपने डॉक्टर से खुलकर बताना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए और आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आर मौर्या चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।